लोकसभा के चुनाव आते ही देश की राजनीति गरमा गई है। इसी बीच यूपी में AIMIM ने बड़ी घोषणा कर दी है। यूपी की आजमगढ़ सीट को लेकर AIMIM ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर इस सीट से मैदान में उतरते हैं तो उन्हें भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से भी मुकाबला करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए AIMIM ने फिलहाल यूपी के 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। इसमें आजमगढ़ से उम्मीदवार शौकत अली का नाम भी शामिल है। एक इंटरव्यू के दौरान शौकत अली ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास फिलहाल 20 उम्मीदवारों की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई है। अगर उनके निर्देश होंगे तो अन्य लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास राज्य की हर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के आवेदन आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी खुद उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। उनका कार्यक्रम तैयार करवाया जा रहा है। फिलहाल AIMIM की प्रदेश इकाई ने संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, बहराइच जैसी सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। शौकत अली ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज के साथ हुई है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गईं। मुसलमान अब दलितों से भी बदतर हालत में है। कांग्रेस के साथ ही सपा बसपा ने भी मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने सपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 20% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और हमसे सपा ने गठबंधन नहीं किया। भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि AIMIM यूपी में किसका खेल बिगाड़ता है। विपक्ष हमेशा से ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। वैसे देखा जाए तो ओवैसी का मुस्लिम इलाके में अच्छा प्रभाव है। चाहे हम यूपी की बात करें या फिर बिहार में विधानसभा चुनाव में इसके प्रदर्शन को देखें। अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी की जनता इस बार किस पर अपना विश्वास दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।